मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर गौरव दिवस पर कहा, यह अद्भुत शहर है, यह शहर शूरवीरों का है। ये वो शहर है जहां महान सम्राट यशोवर्धन ने हूणों को धूल चटाई थी, उन्हें कभी विजय प्राप्त करनी नहीं दी। इस मौके पर शिवराज ने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और भजिए का आनंद लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बड़ी घोषणा की है। शिवराज ने कहा, प्रदेश की सभी 413 शहरों की अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंदसौर में 1512 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होंने सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा का लोकार्पण किया। सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 51,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया और 50,000 आवासों का भूमि पूजन किया। सीएम ने पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों के खातों में 400 करोड़ रुपए एक क्लिक कर भेजे। यहाँ के धर्म गुरुओं ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ मनाया और वैज्ञानिक तरीके से राजा यशोधर्मन जी के हूणों पे विजय वाले दिन को तय किया। और मंदसौर में जन सहयोग से अपने मंदसौर को हम आगे बढ़ाएं, उसके कई कार्य हाथ में लिए। दसपुर रत्न का सम्मान भी जिन्हें समाज सेवा के अद्वितीय काम किए उनको प्रदान किए। और आज पूरे मंदसौर में, आज से नहीं लगभग एक महीने से, लेकिन आज उत्साह चरम पे था। अपने मंदसौर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के साथ साथ समाज भी योगदान देगा। मैं सभी मंदसौर वासियों को मंदसौर गौरव दिवस पर हार्दिक बधाइयां देता हूं। सरकार की तरफ से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर मंदसौर के विकास और यहां की जनता के कल्याण में पूरा सहयोग मिलेगा, उस पे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम शिवराज ने मंदसौर के स्टेशन रोड स्थित भाटी की दुकान से भजिए खाए। इस दौरान उनके साथ वित्त मंत्री देवड़ा, विधायक यशपाल सिसोदिया और मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीवाला सहित कई बीजेपी के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। यहां सभी ने गर्मा गर्म भजियों का लुत्फ उठाया। सीएम ने सबसे पहले यहां भजिए के भाव पूछे, फिर उन्होंने भजिए खरीदे और खाए। भजिए का पैसा राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने दिया। उन्होंने मंदसौर की लहसुन की चटनी, गुप्ता जी की कचौरी को याद किया और कहा कि गुप्ता जी की कचौरी रखवा देना भाई, हम भी हेलीकॉप्टर में खाएंगे। उन्होंने कहा, पोस्ता के दाने का हलवा, लच्छा रेलवे स्टेशन पर भाटी जी के भजिए की दुकान, मुनीम जी के पाव बड़े, सच में अपना यह मंदसौर अद्भुत है। मैंने सुना है यहाँ 56 दुकान भी है। इंदौर की 56 दुकान और मंदसौर की 14 ही मात कर देती हैं। मंदसौर का नमकीन, यहाँ की दाल बाटी, दाल बाटी की दाल बाफले, अफीम की भाजी, भाजी खाना है बाकी नहीं, और अपने लहसुन की चटनी, और केवल लहसुन की चटनी नहीं, गुप्ता जी की कचौरी। आज गुप्ता जी की कचौरी रखवा जाना भाई, हम भी हेलीकॉप्टर में खाएंगे मंदसौर का गौरव दिवस। एक नहीं, पोस्ता के दाने का हलवा, नलवाए का लच्छा पाक बड़ा फेमस है, और रेलवे स्टेशन पर भाटी जी के भजिए की दुकान, और पाव बड़े कौन के हैं? अरे मुनीम जी के पाव बड़े, पाव भी और बड़े भी। ये सचमुच अपना मंदसौर अद्भुत है, यहां का खान। और अब तो 56 दुकान भी मैंने सुना है क्या 56 दुकान, 14 मतलब इंदौर की 56 दुकानों को अपनी 14 ही बात कर देती है। ये अद्भुत अपना मंदसौर, इसके गौरव दिवस पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। सीएम शिवराज ने सम्राट यशोधर्मन की अष्ट धातु से निर्मित आदमकद मूर्ति का अनावरण किया। इसके बाद 1462 करोड़ की जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया। शिवराज ने राजा यशोधर्मन की तारीफ करते हुए कहा कि मंदसौर शूरवीरों का शहर है, यहाँ यशोधर्मन महान सम्राट ने हूणों को धूल चटाई थी, वे यहाँ कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। उनकी गौरव गाथा आज भी गूंज रही है। जिस दिन सम्राट यशोधर्मन ने हूणों को हराया था वह दिन 8 दिसंबर था, इसलिए 8 दिसंबर को मंदसौर का गौरव दिवस मनाते हैं। सूर और वीरों का शहर, और ये शहर वो शहर है जहां यशोधर्मन महान सम्राट, उन्हें हूणों को धूल चटाई थी,
कभी विजय प्राप्त नहीं करने दी। उनकी गौरव गाथा आज भी दिग दिगंत में लगातार गूंज रही है। इस शहर का गौरव दिवस तो होनी चाहिए और इसलिए 8 दिसंबर तय किया आपने, और उस दिन जिस दिन हूणों पर महाराज ने, सम्राट ने विजय प्राप्त की थी, उनकी प्रतिमा यशोधर्मन महाराज की आज अद्भुत बनी है। मैं इस काम में लगे हुए सभी शहरवासियों को, सभी सहयोगियों को, सभी विद्वानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।